नमस्ते, मेरा नाम माया है और माया की कहानियों में आपका स्वागत है। क्या आप में से किसी को छोटे जीव जंतु से डर लगता है, जैसे कीड़े, स्पाइडर या कॉकरोच? मुझे भी लगता था बचपन में। आज की कहानी में हम ये जानेंगे कि मैंने कैसे उस डर को भगाया। शायद मैं इस समय 7 या 8 साल की होंगी और एक रात को मैं और मेरा भाई बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह ब्रश कर रहे थे और अचानक से एक उड़ता हुआ कॉकरोच आकर के मेरे भाई के पीठ पर बैठ गया। अब इससे डर कर मैं जोर कर चिल्लाने लगी। उस समय मेरे नाना जी ने मेरे पापा को बोला कि इसका ये डर हटाना बहुत जरूरी है। अब कुछ दिनों के बाद मैं एक दिन नहाने गई बाथरूम के अंदर और मैंने एक कॉकरोच को देखा और मैं चिल्लाने लगी कि पापा आकर मुझे बचा लो। पापा दौड़ते हुए आए एक झाड़ू लेकर, झाड़ू को बाथरूम के जमीन पर डाला, मुझे और झाड़ू को बंद कर दिया बाथरूम के अंदर उस कॉकरोच के साथ। थोड़ी ही देर बाद एक कॉकरोच नहीं, पूरी कॉकरोच की फैमिली आ गई थी। आप विश्वास नहीं करोगे, 10 से 15 कॉकरोच थे। अब मैं उस झाड़ू को पकड़कर बाथरूम के एक कोने में डर कर चिल्ला रही हूं कि पापा मुझे बचा लो, खोल दो दरवाजा। पर मेरे पापा ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने बोला कि जब तक तुम कॉकरोच को नहीं मारोगी तुम बाहर नहीं आ सकती। बहुत ज्यादा मुझे डर लगा, पर मैंने उस झाड़ू लेकर के सारे कॉकरोच को मार दिया। फिर बाथरूम के बाहर मैंने आवाज लगाई कि पापा मैंने सारे कॉकरोचेस को मार दिया, और फिर मैं बाहर आ गई बाथरूम के। उस दिन तो मुझे पापा के ऊपर बहुत गुस्सा आया, पर इस वजह से मुझे कॉकरोच का डर तो चला ही गया। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और पहुंचते हैं 2021 में, जब मेरी शादी हो चुकी थी अखिल के साथ और हम एक रोज जा रहे थे कार में। ये पैंडेमिक का समय था और कार बहुत दिन से पार्किंग में थी, इस वजह से उसके अंदर एक इतना बड़ा कॉकरोच घुस चुका था। अब हमें ये बात पता नहीं थी, अखिल ड्राइव कर रहा था और मैं साइड सीट में बैठी थी। अब अखिल को कॉकरोच से काफी ज्यादा नफरत है, घिन है ऐसा बोल सकते हैं। तो अब आपको करना है इमेजिन, अखिल चला रहा है कार, मैं बैठी हूं बाजू वाली सीट में और जो वो सन शेड होती है उसके जस्ट बाजू से एक कॉकरोच इस तरफ और उस तरफ दौड़ने लगा। अब उस कॉकरोच को मैंने देखा, उन्होंने नहीं देखा। मैंने उन्हें कहा कि आप जरा कार साइड में लगा सकते हैं? तो उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने बोला नहीं, एक इमरजेंसी है इस वजह से। अब उन्होंने कार साइड में लगा दी और अचानक से उनकी नजर गई उस दौड़ते हुए कॉकरोच की तरफ। कार को जैसे ही साइड में लगाया, अखिल बाहर निकल गए और उन्होंने दरवाजा जोर का बंद कर दिया और मुझे बोला कि कॉकरोच को कार से बाहर निकालो। अब आपको करना है इमेजिन कि कॉकरोच जा रहा है ऐसे 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 दौड़ रहा है और एक साइड की ही विंडो खुली हुई है। मैंने अपनी चप्पल उठाई और जैसे ही वो उस साइड में भागा, मैंने एक शॉट में उस कॉकरोच को सीधा खिड़की के बाहर किया। अब वो शॉट का कमाल था या चप्पल का कमाल था वो नहीं पता, बट कॉकरोच तो बाहर चला गया। उस दिन मैंने अखिल को ये बात बोली कि जब भी हम कोई भी डर को अपने अंदर से हटाते हैं, उस चीज का हमेशा कोई ना कोई कारण होता है कि हो सकता है कि बाद में आप किसी और का डर भगाने में उसकी मदद करें। तो अगर आप कोई भी चीज से डरते हैं, उस डर का सामना कीजिए, भले ही वो एक छोटा सा कॉकरोच हो। एंड विश्वास कीजिए मेरा कि आपको पहले तो बहुत डर लगेगा, बट फिर जब आप उसको जीत जाएंगे तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। तो जैसे वो पता नहीं कौन से तो ड्रिंक के एड में बोलते हैं, डर के आगे जीत है, आप भी अपने डर के आगे जीत बनाइए। तो ये थी आज की कहानी, मिलते हैं अगले गुरुवार को अगले एपिसोड में। बाय बाय।